एम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि वो यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और दूसरे पार्टियों पर हमला बोलते हुए दावा किया कि वो यूपी में गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से नहीं करेंगे। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करने के लिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पश्चिम यूपी में अब चुनाव प्रचार शुरू किया, इन्होंने हमसे बातचीत करने के लिए साथ है। आपको बार बार ओवैसी साहब विपक्ष की पार्टियां कह रहे कि आप बीजेपी की बी टीम है, ऐसा है? आपने नहीं देखा कि ममता बनर्जी कांग्रेस के बारे में क्या कह रही है, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के बारे में क्या कह रही है और कांग्रेस इनके बारे में क्या कह रही है? तो हम खुद ये देख रहे हैं कि जब हम मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते थे और करते हैं और करते रहेंगे, तो ये सब लोग हम पर उंगलियां उठाते थे। अब ये एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं गाली? क्यों RJD और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं? क्यों TMC गोवा में इलेक्शन लड़ रही है, जब ये सवाल नहीं करेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि 2014, 2017, 2019 ये तीन चुनाव में तो उत्तर प्रदेश में हार गए ना, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, हार गई 14 में, 17 में मिलकर कांग्रेस से अलायंस किया, पिट गए आप, 19 में BSP और सपा मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी जीत गई, हम तो थे ही भी नहीं। पूरे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 300 जीतती, हम सिर्फ 3 सीट पर लड़ते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का डर हमारा डर दिलाकर वोट हासिल किया और शिवसेना से आपने अलायंस कर लिया, लेकिन ये इनका, इन तमाम पार्टीज का जो अपना को सेकुलर कहते हैं, जो सेकुलर नहीं है, ये एक ही बात नहीं चाहते कि देश में हर जात का, हर कास्ट का, हर बरादरी के नेता हो सिवाय मुसलमानों के। वो सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों को नेता के रूप में देखना नहीं चाहते। आपको कह रहे कि बिहार में आपने गठबंधन किया था, यूपी में कोई गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव पार्टी, BSP? अभी देखिए, बहुत सी तब्दीलियां होंगी चुनाव से पहले, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। किसके साथ? हम अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हमारे चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन किसके साथ कर सकते हैं, विकल्प किसके लिए खुला रखा है? अभी देखते हैं क्या होता है। फरनगर के जो कांड हुआ उसकी हकीकत है ना, अखिलेश यादव की सरकार थी, वो कांड को, फसाद को, राइट को रोक नहीं पाए, जेनोसाइड था। आपने कहा, सुनिए, जब मुजफ्फरनगर के मुसलमान कैंपों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, 40,000-50,000 करीब, सैफाई में तो आप मुंबई से फिल्म स्टार को बुलाकर नाच गाना कर रहे थे, तो योगी आदित्य और उनके पूरे टेंट को आपने निकलवा दिया। प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर गई हैं, आप देख रहे होंगे 40% महिलाओं को टिकट, इसके अलावा स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक स्कूटी की घोषणा और कई घोषणाएं की हैं, तो कांग्रेस मजबूती से उतर रही है, टक्कर देगी? वो कौन हार गए मीठी में? कैसे हार गए मीठी में? उनकी आबाई सीट थी ना, वहां पर हार गए। हम जिम्मेदार हैं क्या? आपको मालूम कि जितने सीट कांग्रेस लड़ी, कोई ये नहीं कहता कि 18 या 17 सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई, इसके बारे में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, तो ये भी तो हकीकत है। लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व पे क्या बोलेंगे? अरे भाई छोड़िए ना, वो देखिए भारत में जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो एंटाइटलमेंट का जमाना चले गया, आप वही तब्दीली आज आप देख रहे हैं मुसलमानों में, वही तब्दीली देख रहे हैं ना, एंटाइटलमेंट का जमाना नहीं है। आपके पूर्वज कोई थे होंगे, आप क्या हैं? क्या आप आवाज उठा रहे हैं जनता की, आप उनके दरमियान में, वो जनता देख रही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलायंस करेंगे, अलायंस पे मेरा सवाल है सर। कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं हो सकता, और भागीदारी ना कांग्रेस से ना बीजेपी से कोई अलायंस नहीं हो सकता। और समाजवादी पार्टी BSP? अब ये तो वक्त तय करेगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर की एक लाइव शो में ऐसी